नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को वीडियो के सीरीज में पढ़ा रहा था पॉलिटी, स्पेशली जो हम संविधान पढ़ रहे थे। हालांकि ये सीरीज हमारी चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, बट पिछली तीन क्लासेस हम लोग क्या देख रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। हम लोग टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट देख रहे थे, जैसा कि एक टॉपिक हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में, भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति, क्योंकि हम देख रहे हैं यूनियन संघ का भाग हम पढ़ रहे हैं, पार्ट फाइव पढ़ रहे थे। तो उसी का अगला हिस्सा होता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछा गया UPSI में, न केवल UPSI में बल्कि आपके सारे एग्जाम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आता ही आता है। और छोटा सा टॉपिक है, अब जब सीरीज चल ही रही तो हम सोच रहे हैं ये टॉपिक आपके खत्म कर दिए जाए, क्यों इनको छोड़ा जाए बीच बीच में, ठीक है। और एक माफी चाहेंगे कि आज का वीडियो काफी लेट आ रहा है, थोड़ा सा हमें काम पड़ गया था इस वजह से काफी लेट वीडियो आ रहा है आज का, और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो अभी आ नहीं पा रहा है, बट दोनों वीडियो हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा मोटिवेट किया करें, मतलब कमेंट में बताया करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है, बस इतना बताया करें, अच्छा लगा खराब भी लग रहा है तो फीडबैक जरूर दें, हम उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे। बस इतना सा फीडबैक हम आपसे चाहते हैं जिसने कि हमारा मोरल बना रहे, हम वीडियो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ला सके, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI, भारत के महान्यायवादी। देखिए पिछली दो क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। अच्छा, बहुत सारे आर्टिकल हो गए थे, प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक पढ़ा हम लोगों ने, और वाइस प्रेसिडेंट वाली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक पढ़ा। तो इसमें हम लोग को याद कितने करने हैं, भाई बहुत ज्यादा आर्टिकल हो गए, हमने पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने देखा होगा तो जान रहे होंगे कितना डिटेल में पढ़ाया है। तो उसमें से अब आप चाह रहे होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बता दें, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो देखिए प्रेसिडेंट वाले टॉपिक से सबसे पहले आर्टिकल जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल नंबर 52। उसमें सिंपल से एक चीज लिखा है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि आपके क्वेश्चन में एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में, तो आप क्या बोलोगे, आर्टिकल नंबर 52 में। वही अगर बोल दिया जाए उपराष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में, तो आप बोलोगे आर्टिकल 63 में है। यानी कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ, ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 63 में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, पूरा रिवीजन नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति में ठीक अगला आर्टिकल भी आप याद कर लिए 64। क्यों याद करना है इसको, क्योंकि आपको पता है उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति ये कहां पर मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 64 में। इस चीज को भी आप याद कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 64, ठीक। यहां तक याद हो गया तीन आर्टिकल। अब देखिए, अब एक छोड़ दीजिए 52 से आर्टिकल नंबर 54, और यहां से भी एक छोड़ दीजिए आर्टिकल नंबर 66। दो चीज क्या है, आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 54 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट करेंगे। हमने आपको बताया था कौन कौन करता है राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा, विधानसभा, सॉरी लोकसभा पहले लिख लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, यानी कि सभी राज्यों की विधानसभा और हमारी पार्लियामेंट के सारे कौन इलेक्टेड मेंबर वोट करेंगे। और साथ साथ क्या बताया था, 1992 के बाद से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी लोग इसमें वोट करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन इलेक्टेड, जो नॉमिनेटेड है वो लोग वोट नहीं करते। ये चीज कहां मेंशन है, आर्टिकल नंबर 54 में। तो आर्टिकल भी याद रखिएगा और ये जो बात हमने बताई है ये भी याद रखिएगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं अगर, ठीक है। अब यही चीज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहां लिखा है, आर्टिकल नंबर 66 में लिखा है। इसकी बात करते हैं तो कौन लोग यहां पर वोट करता है, केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य, कौन सारे के सारे, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इलेक्टेड और मनोनीत, ऐसा कोई केस नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। इतना क्लियर हो गया, तो इतने आर्टिकल आपको याद हो गए। अब एक आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट बचता है वो है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में क्या लिखा हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया लिखी हुई है, कैसे इनको हटाया जाएगा, इनका इंपीचमेंट कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये लिखा है कहां, आर्टिकल नंबर 61 में। और यही अगर इनकी बात कर ली जाए वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का किस आर्टिकल में लिखा है, कल ही हमने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 67 में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उपराष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया कहां पर मेंशन की गई है, आर्टिकल नंबर 67। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हाँ आर्टिकल नंबर 67 पर ही लिखा हुआ है, जस्ट अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 67 पर लिखा हुआ है
रिमूवल ऑफ, अच्छा यहाँ पर महाभियोग आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हटाने की प्रक्रिया वर्ड यूज किया जाता है, ना कि महाभियोग वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या थी जल्दी से शॉर्टकट में जान लेते हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद किसी भी सदन में, ये वर्ड याद कर लीजिए, किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा, किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा और 1/4 लोग उसमें साइन करेंगे तब प्रस्ताव आएगा। उसके बाद किसी भी सदन में आया तो एक वहां पर 2/3 की मेजोरिटी के साथ पास होगा, तब उस सदन में पास होगा। उसके बाद जांच होती है, जांच वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में मतलब आपको मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं, लिख लीजिए वैसे पढ़ा रहे हैं पूरा। तो जांच होती है अगले सदन में और उसके बाद उस सदन में 2/3 मत फिर से मिल गए तो फिर महाभियोग पास हो जाएगा और राष्ट्रपति को हटना पड़ जाएगा। वहीं अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात कर ले तो ये थोड़ा सिंपल होता है, 14 दिन का नोटिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आएगा प्रस्ताव, कहां देखिए ये किसी सदन लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आएगा और 50%+1 वोट अगर पड़ गए तो राज्यसभा में पास हो जाएगा। उसके बाद पहुंचेगा लोकसभा, लोकसभा में भी अगर 50%+1 वोट पड़ गए तो ये यहां से भी पास हो जाएगा और इनकी ये अपना राष्ट्रपति का पद, इनको उपराष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ जाएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपको याद रखना है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, 54 में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर 66 में लिखा हुआ है, राज्यसभा का सभापति 64 में है, 61 में महाभियोग लिखा है और 67 में इनके हटाने की प्रक्रिया लिखी है। बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं, एक चीज और आपको बता देते हैं, क्वालिफिकेशन याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को किसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का सदस्य बनने लायक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये वर्ड भी याद कर लीजिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इतनी चीज तो आपको बाई हार्ट होनी चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। ये आर्टिकल और कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पता है, राष्ट्रपति की क्या पावर होती है, उपराष्ट्रपति की क्या पावर होती है, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। ये शपथ लेते हैं CJI से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, अगर CJI नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज इनको दिलाते हैं। ये शपथ लेते हैं राष्ट्रपति से, इनको अगर रेजिग्नेशन देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, इनको रेजिग्नेशन देना होता है तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये सब चीजें बाकी आपको पता होनी चाहिए, हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक कर लीजिए, दोनों चीज की हम लिंक दिए दे रहे हैं वहां पर आपको। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, इस वजह से हम आपका 5-6 मिनट शुरुआत का ले लिया करते हैं जिससे कि आपको पुरानी चीज रिवाइज हो जाए और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सफिशियंट नॉलेज। अगर आप इतना भी देख रहे हैं पहली बार हमारी क्लास में, तो अगर फिर भी पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे बोलेंगे पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ाया है। देखिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। इनकी खासियत, इनकी सबसे पहले तारीफ में आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति हमारा भारत का पहला व्यक्ति होता है, उसी तरह महान्यायवादी की अगर बात कर ले तो ये क्या होते हैं, भारत के पहले विधिक अधिकारी, विधि अधिकारी, यानी कि अगर सिंपल वर्ड में बोले तो भारत के पहले वकील जो होते हैं वो उनको बोला जाता है भारत के महान्यायवादी। तो ये वर्ड याद कर लीजिए, फर्स्ट विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। इनको भारत का प्रमुख विधिक अधिकारी भी बोलते हैं, प्रमुख विधिक अधिकारी ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनकी तारीफ में दो वर्ड, जो अब आप समझ सकते हैं इनकी पोस्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके समझने के लिए था ये है कौन। अब यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि इनके बारे में अपने संविधान में किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो देखिए कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 76 में। कल हम लोग ने कहां तक पढ़ा, आर्टिकल 71 तक पढ़ा। 71 क्या था, 71 था अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अड़चन आती है तो वो लोग कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उनका कभी भी उनका चुनाव स्थगित नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट उसका सोल्यूशन दे देता है। ये था आर्टिकल 71, यहां तक हम लोग ने पढ़ लिया था। बीच का आर्टिकल खास इंपोर्टेंट नहीं है, सीधा हम लोग पढ़ रहे हैं आज आर्टिकल 76। उसमें लिखा है भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। अब इसके आगे देखिए पढ़ते हैं, आपको बता दें ये तो हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके नीचे वर्क करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके जस्ट नीचे होते हैं, ये भी इनके नीचे वकील होते हैं, ये सब चीज देखते हैं। अब बात करते हैं 76, अच्छा सिर्फ और सिर्फ 76 याद करना है, इसके अंदर चार है, 76-1, 76-2, उनकी नंबरिंग आपको नहीं याद रखनी, बस उनका काम क्या ये याद रखना है। तो क्या क्या लिखा है, हम सिर्फ काम की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4 एग्जाम में नहीं आता कि 76-1 में क्या लिखा है, 76-2 में क्या लिखा है, ऐसा कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बता दें इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और एक खास बात आपको बताते हैं, बहुत ही ज्यादा खास बात जो है वो ये है कि राष्ट्रपति अपनी
मतलब कि प्रसाद पर्यंत इनको मिलता है वर्ड। एक वर्ड पहले आप देख लीजिए, प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत की इंग्लिश होती है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर, ठीक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्लेजर, यानी खुशी है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की खुशहाली पर इनको ये अपॉइंट किया जाता है। मतलब क्या है इस वर्ड का? मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे इनको अपॉइंट करेंगे, जब चाहेंगे इनको हटा देंगे। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब हुआ, इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है कि ये कितने साल के लिए बनने वाले हैं। इनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, कोई भी नहीं है। होंगे भी थोड़े समय के लिए कि नहीं होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इनको अपॉइंट करेंगे, जब जरूरत होगी भारत को, जब जरूरत होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब अपॉइंट करेंगे और जब चाहे हटा लेंगे। और इनकी सैलरी भी राष्ट्रपति तय करेंगे, समय के हिसाब से उनकी मर्जी कितनी सैलरी देनी, ये भी कोई फिक्स नहीं है। तो ये दो लाइन याद कर लीजिए। अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करते हैं? अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जब जरूरत होगी उनको तब इनको अपॉइंटमेंट करेंगे। और सैलरी भी हमने बता दिया आपको कि इनकी सैलरी भी कौन अपॉइंट मतलब देता है? राष्ट्रपति देते हैं अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। अब देखिए इनका काम क्या होता है, क्यों अपॉइंटमेंट किया जाता है? देखिए दो काम बहुत इंपॉर्टेंट के। सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी भारत सरकार है उनके ये वकील होते हैं, यानी कि भारत सरकार का कोई भी केस होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील? ठीक है, आप लोग अगर यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चन देखें, या आपने कई बार क्वेश्चन देखे हैं कि एमसी मेहता क्वेश्चन देखे होंगे आपने, एमसी मेहता बनाम भारत सरकार केस, ये आपने पढ़ा होगा इस तरह के, एमसी मेहता बनाम भारत सरकार केस। तो ये भारत सरकार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इन्होंने सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया है। जैसे अभी रिसेंट केस की बात कर दें, सीएए जब पास हुआ था, सीएए बिल आया था, तो आपको ओएसी, क्या नाम है, ओएसी साहब नाम है, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, इतने अच्छे बंदे नहीं उनका नाम याद रखा जाए। ओएसी साहब जो थे उन्होंने केस फाइल कर दिया और वो भारत सरकार के खिलाफ फाइल किया। हालांकि वो खुद वकील चाहते खुद लड़ लेते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भी वकील रखा और किसके खिलाफ किया? भारत सरकार के खिलाफ केस फाइल किया कि ये गलत कर रही सरकार। तो इनकी तरफ से कौन लड़ने वाले हैं? इनके तरफ से लड़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ। अब आप समझ गए होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कितनी बड़ी पोस्ट है। ये क्या करते हैं? भारत सरकार की तरफ से सारे केस लड़के थे। एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक सरकारी वकील है। क्या है? सरकारी वकील है, भारत सरकार के सारे केस हैंडल करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर ले, क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन इनकी बराबर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, इतने बड़े ये क्वालिफाइड पर्सन है। अब आप समझ सकते हैं कितने क्वालिफाइड पर्सन है और कितने पावरफुल पर्सन है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। जल्दी से रिपीट कर देते हैं, इन क्वेश्चन क्या आना है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में 76 में दिया गया है, ये भारत के महान्यायाधीश हैं, फर्स्ट विधिक अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकारी वकील होते हैं, रेगुलर वकील होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, और प्रसाद पर्यंत तरीके से यानी अपने प्लेजर से अपॉइंटमेंट करते हैं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, सैलरी भी कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। अब देखिए इनकी कुछ पावर के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीज 76 के अंदर दी है, 1-2 करके अंदर दी हुई, वो नहीं याद रखना आपको, सिर्फ 76 याद रखना है। अब इनकी पावर के बारे में जान लेते हैं। देखिए इनकी एक पावर होती है कि ये भारत के, पूरे भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर, किसी भी कोर्ट में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई का मतलब होता है ऑडियंस बनकर कहीं पर भी जा सकते हैं एज ए ऑडियंस। आप लोग नहीं जा सकते, आपको लग रहा होगा यार टीवी में आपने बहुत देखा होगा ऑडियंस बैठी रहती होगी, ताली बजाती है और जज का मूड चेंज कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस हवा हवाई है, वहां कोई नहीं बैठ सकता। जो लोग मतलब वहां होते हैं, मतलब प्रॉपर जिनको अधिकार होता है, सिर्फ वही लोग बैठते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार है, वो भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर, किसी भी केस में जाकर बैठ सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं। नंबर एक पावर हो गई किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। नंबर दो पावर जो और बड़ी खास बात है, ये संसद में जाकर भी बैठ सकते हैं। कहां? संसद में, पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, किसी भी राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी जाकर बैठ सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। और इनकी पावर देखिए वहां क्या क्या कर सकते हैं। नंबर एक चीज, वहां पर बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। नंबर एक चीज, वहां पर किसी भी समिति का हिस्सा बन सकते हैं। देख आप लोग जानते हैं कई भी समिति बनती रहती है, यानी कमेटी बनती रहती है कि कोई काम आया इसके बारे में कमेटी बनी है, तो अगर कोई विधि से रिलेटेड काम आएगा तो ये समिति का हिस्सा भी बन सकते हैं, ठीक है। नंबर तीन चीज, एडवाइज भी दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं किसी काम के लिए। बहुत ही बड़ी चीज है आप किसी काम के लिए सलाह दे सकना संसद में, और जबकि आप वहां पर एक संसद, आप सांसद नहीं हो, आप कोई वहां पर एमएलए एमपी नहीं हो, आप वहां पर एमपी नहीं हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, उसके बावजूद आपको बैठने का मिला मौका, वहां बोलने की भागीदारी मिली, समिति में हिस्सा लेने की भागीदारी मिल रही है, आपको पावर मिल रही है, सलाह देने की पावर मिल रही है। लेकिन एक पावर नहीं मिलती, वो क्या है? वोट देने की पावर नहीं मिलती।
कैसा वोट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी कानून आया, सीएए आया, तो उस पर वोट पड़ता है, वोटिंग होती है, तो वहां पर सिर्फ वोटिंग कौन करते हैं? एमपी करते हैं। ये वोट नहीं देंगे, वोट देने की पावर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए, इनकी पावर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इनको बोलने का, समिति में हिस्सा लेने का, सलाह देने की पावर है, लेकिन वोट देने की पावर नहीं। वोट और सिर्फ कौन दे सकता है? एमपी ही दे सकते हैं, वो कोई भी मुद्दा हो, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ वोट कौन देगा? संसद, जो सांसद होंगे हमारे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही देंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। एक पॉइंट आपको एक हम थोड़ा नोट वाइज अलग से बता देते हैं, वो ये है कि देखिए ये सरकारी वकील तो होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सरकारी वकील तो होते ही होते हैं, साथ में ये अपना प्राइवेट केस भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको बताया कि ये फिक्स कोई इनकी जॉब तो है नहीं कि एक सरकारी वकील है, परमानेंट इनकी पोस्ट है, 60 साल मीटर, ऐसा तो है नहीं। हमने आपको बताया राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपॉइंट करेंगे, अपनी मर्जी से हटा देंगे, कोई टेन्योर नहीं, मान लीजिए चाहे तो 2 महीने हटा दें, अपना काम किया, सरकार को हेल्प हुई, काम इनका हो गया, हटा दिया, पैसा देना जरूरी नहीं है। तो ये प्राइवेट केस भी हैंडल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पोस्ट और ऑफ पोस्ट तो कर ही सकते हैं, ये प्राइवेट केस भी देख सकते हैं। मोस्टली ये क्या देखते हैं? सिविल केस देखा करते हैं, सिविल केस ये हैंडल किया करते हैं। हाँ, जब ये पोस्ट में रहेंगे तो इनको अपने मतलब उनसे लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ती है, सूचना देनी पड़ती है, या यूं समझ लें मतलब तब इन्हें राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है, जब ये पोस्ट पर है तो ये केस लड़ सकते हैं, ये राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें थी हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पढ़नी थी। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है, 76, पावर के बारे में बता दिया, अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया, कौन होते हैं ये आप जान गए, सरकारी वकील है, फर्स्ट विधिक पर्सन होते हैं अपने भारत के, प्रमुख भारत सरकार के प्रमुख वकील होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ट्यूनियर का कुछ नहीं होता, ये सब हमने आपको बता दिया, इतना बस आता है आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये था हमारी आज का वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जाना, थोड़ा सा राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में रिवीजन भी कर लिया। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। जल्दी से अच्छा एक मिनट और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ये हम भूल गए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिवीजन कर लेते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या चीज हमने पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा हमने आर्टिकल 76 में इनका मेंशन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी, इनको भारत का प्रथम या प्रमुख विधि अधिकारी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, और ये भारत सरकार के वकील होते हैं, हमने आपको बताया। इनके नीचे कौन वर्क करते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्क करते हैं। इनकी देखिए 1, 2, 3, 4 हमने बताया था ना, ये मेंशन किया गया, बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछा जाता आपको। हाँ, ये सब याद रखना है, नियुक्ति इनकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इनकी? सेम एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो उनके जज होते हैं उसके बराबर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विधिक संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं, कोई भी विधि संबंधी, कानून संबंधी कोई भी विषय आएगा उस पर सलाह देना इनका काम होगा। भारत के सभी न्यायालयों में जाकर सुनवाई कर सकते हैं, एज ए ऑडियंस बैठ सकते हैं, ये हमने बताया। एजीआई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये कि हमने बताया ना, प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के पद धारण करेंगे, मतलब वो जब चाहेंगे तब ये पद धारण करेंगे, मतलब जब प्रेसिडेंट जब चाहे इनको अपॉइंट करे, जब चाहे हटाए, कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, और सैलरी भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे। और जो हमने लास्ट में आपको इनको पावर बताई, ये पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, समिति का हिस्सा बन सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। और जैसा कि लास्ट में हमने एक आपको और बताया, ये सरकारी वकील होते हैं, फिर भी अपना ये प्राइवेट केस हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपका एक चीज था, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा पहले करके, जब हमने कुछ भी नहीं लिखा था, और बाकी आप ये सब स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अपनी नोट्स बनाइए। लेकिन देखिए ये सब आपके काम नहीं आने वाले, आप अपनी नोट्स बनाएंगे ना तो ज्यादा मजा आने वाली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसे लगा, शुरुआत में भी हमने आपको बोला फीडबैक जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा हमें अप्रिसिएशन मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। पूरी क्लास अगर आपने देख ली है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे, एटलीस्ट व्हाट्सएप में तो स्टेटस जरूर लगा लीजिए कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार हमारे चैनल पर भी आकर देखें, यहां पर तैयारी कराई जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।